हक नहीं है, करो। एक मिनट बेटा, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, अभी ऐसे नहीं करते, अभी उसको बदवा दे। बहुत डरा रही है। से हाय बाय नहीं बोलते, हाय बोलते हैं। आप तो बाय बोल रहे हो, बाय नहीं हाय बोलो। बाय क्या बोल रहे हो, हाय बोलो। तो सोचा आज मैं दाल खिचड़ी की रेसिपी बना रही हूँ, सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। और मैं सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ दाल खिचड़ी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालूंगी। आई होप आपको मेरी जो सारी रेसिपी है मैंने आपको, क्या हो गया, मैंने सारी रेसिपी जो अपने चैनल पर डाल रखी है, आई होप आपको अच्छी लगी। क्या हो गया मेरे बच्चे को? तो चलिए, क्या हो गया? तो चलिए दाल खिचड़ी बनाते हैं। और इधर अभी उदम करने लग गया, अभी मैं इसको दूध चढ़ाने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले मुझे कड़ी दाल और चावल रखने पड़ेंगे कुकर में, तो मैं वही रख दी दाल और कुकर में। तो कुकर ले लेते हैं, कुकर में दाल और चावल इसमें मिक्स कर लें। तो मैं दाल चावल के लिए कुकर चलाऊंगी, तो चलिए चला। तो यहाँ पे मैंने कुकर में दाल और राइस रख दूंगी, और इस दाल खिचड़ी में जो दाल यूज होती है वो मूंग की दाल होती है, तो मैं मूंग की दाल और चावल डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी चावल लिया है, बासमती चावल लिया है, आप कोई भी चावल ले सकते हो। और जो चावल मैंने कुकर में डाल दिए हैं, और मैं इतनी आधी एक कटोरी चावल लिया है, और मैंने जो मूंग की दाल है वो मैं आधी कटोरी लूँगी। ज़्यादा दाल का फ्लेवर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मैंने मीडियम होना चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से डाल दूँगी। और मैंने यहाँ पे मूंग की दाल भी डाल दी है, और मूंग की दाल और चावलों को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से दो बार वॉश कर लूँगी, और अच्छे से दो बार वॉश करने के बाद मैं इसमें पानी डालकर उसको चढ़ा दूँगी। और पानी आप इसमें कितना भी डाल सकते हो, लिक्विड भी, मैंने ये थोड़ा मैंने पतले में भी होगा तो चलेगा, क्योंकि खिचड़ी जब पतली ही बनती है, जो दाल खिचड़ी वो पतली ही होती है, तो आप पतली भी बना सकते हो। तो चलिए कुकर रख देते हैं। तो मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दूंगी, इसमें थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना, सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी डालनी है, क्योंकि हल्दी अपन को बाद में भी यूज़ करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा हल्दी ना डालें, कम हल्दी, मैंने थोड़ा सा इसको आधा चम्मच से भी कम हल्दी डाले, और इसमें नमक डाल के बस इसको कुकर को रख देंगे, और कुछ भी नहीं डालना है। और इसके बाद मैं इसके लिए खिचड़ी के लिए मसाले काट लूँगी, और खिचड़ी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, आप घर में बना के खाइए इसको, और बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी भी बनती है। और इधर मेरे जो टमाटर वगैरह हैं, तो मैं मार्केट से जो टमाटर लेके आई उनको अच्छे से धो के और फ्रिज में स्टॉक कर दूँगी। और इधर धनिया भी है, तो मैं सारी चीज़ों को आपको पता ही है, मैं सारी चीज़ों को धो के स्टॉक करती हूँ फ्रिज में, कोई भी चीज़ मैं धो के ही रखती हूँ, तो मैं सारी चीज़ों को धो लूँगी और उसके बाद मैं खिचड़ी की प्रिपरेशन करूँगी। तो चलिए धो लेते हैं।
और यहाँ पे मैंने जो हरा धनिया है वो भी काट लिया है और टमाटर भी काट लिए, बड़े दो बड़े टमाटर लिए मैंने। और यहाँ पे एक जिंजर गार्लिक पेस्ट भी काट के रखा है, कुछ कड़ी पत्ते, हरी मिर्ची, और यही मुझे लगने वाला है तो मैंने यही सब काट लिया है। और ये कड़ी पत्ते इसमें मेन होते हैं, और जो प्याज है वो भी मैंने काट लिया है। तो इसी तरीके से मैंने जो दाल की खिचड़ी की प्रिपरेशन करके रखी है, और बहुत यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है रियली गाइस, और बहुत अच्छी लगती है। आप बनाइए और काफ़ी यम्मी होती है, काफ़ी हेल्दी होती है डिनर के लिए। आप दाल की खिचड़ी बनाते हो तो अच्छा होता है, मैंने आप बना सकते हो। अब मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई मैंने थोड़ा बड़ी वाली ली है, आपको पता है मैं और चीज़ें सिर्फ छोटी कढ़ाई में बनाती हूँ, ये थोड़ा बड़ी है क्योंकि हम डिनर के लिए खिचड़ी बना रहे हैं इसलिए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी और घी, और इसमें मैंने देसी घी डाला है, और इसमें जो घी ही डलता है दाल खिचड़ी में, आप ऑयल से नहीं बना सकते, ऑयल से ज़्यादा इतना टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको अच्छी दाल खिचड़ी चाहिए तो उसमें सिर्फ घी ही डलता है, तो आप इसमें घी डालें, मेरा सजेशन इसमें घी का ही वो करें आप, और इसमें ऑयल ना डालें कोई भी। तो घी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी राई, और मैं जो दाल खिचड़ी है उस राई में बना रही हूँ, राई में ही बनती है, तो मैं राई डाल दूँगी। और राई डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी जो जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसी तरीके से मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें भून लूँगी। और घी क्या है ना, मैंने अगर किसी के पास घी नहीं है तो वो ऑयल में बना सकता है, बट ऐसा मेरा जो मैंने जहाँ तक दाल खिचड़ी का टेस्ट मैंने देखा है तो वो सिर्फ घी से ही आता है, तो इसीलिए अब मैंने घी का बोला है आप कि आप घी इस्तेमाल करें। और इसमें मैंने जो आपको बताया था राई, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कड़ी पत्ता, ये सब डाल दिए। अभी मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, और प्याज को अच्छा भुनने देंगे, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन हो जाने देंगे। तो जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, और ज़्यादा कोई भी चीज़ जलानी नहीं है एकदम से, जबकि एकदम से पकानी ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम मीडियम सब चीज़ पकानी है। और मेरा जो यहाँ पे प्याज है वो पक चुका है, मैंने इसमें ब्राउनलेस आ गई है, तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, हरी मिर्च भी मैं इसी में डाल दूँगी। और टमाटर गलने तक हम इसको इसी तरीके से, और टमाटर गलने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, बस इतना ही डालूंगी, और कुछ भी इसमें मुझे नहीं डालना है। और बस
बर्तन है वो भी क्लीन हो गए हैं। और अब इधर खिचड़ी को भी मैं देख लूँगी कि खिचड़ी में क्या, खिचड़ी को ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट पानी डाल के और थोड़ा मैंने 3-4 मिनट और 5 मिनट के करीब बस इतना ही उसको पकाना है, जिस तब तक वो थोड़ा उस गाढ़ापन ना आए। तो आप मेरी खिचड़ी का कलर देख सकते हो कितना अच्छा आया है और ये बन गई है, मैंने खिचड़ी बन के तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं हरा धनिया और आप देख सकते हो कितना अच्छा, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे दाल खिचड़ी तो नॉर्मली भी अच्छी लगती है बट खाने में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आया था। और आप इसी तरीके से बनाइए, मुझसे शेयर करिएगा कि आपको मैंने मेरी खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी। और बाद में मैं इसमें थोड़ा सा घी भी डाल दूँगी जस्ट टेस्ट के लिए, और इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर आप ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दो 1 चम्मच के करीब, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसको एक बार और मिक्स कर लेंगे। चुका है कंप्लीट और मेरी किचन को मुझे करना है क्लीन, अभी जिस तरीके से मेरा किचन का हाल हो रखा है और मुझे इसको क्लीन करना है, पूरा किचन मुझे क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ, मैं सब अभी क्लीन करके रख देती हूँ। ये सारे बर्तन पड़े हुए वो सब मुझे लगाने हैं और जो खाना बच गया था तो वो फ्रिज में रखना है और मुझे सारा करना, दूध भी मुझे गर्म करना है, सब कुछ करके और मैं सब एकदम क्लीन करके तभी सोती हूँ। तो चलिए किचन क्लीन कर लेते हैं। और नीचे बर्तन मेरे साफ़ किए हुए मैंने रखे थे, जो पहले से साफ़ किए हुए रखे थे उनको मैं लगा दूँगी, सारे बर्तन मैं इसमें लगा दूँगी और कुछ बर्तन जो डिनर के हुए थे वो डले हुए हैं तो उनको भी वॉश करना है। और मैं ज़्यादातर सारा काम रात को फिनिश करके ही सोती हूँ, तो बाद में जब सुबह उठते हैं तो क्लीन एकदम मिलता है, किचन तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो जो मेरे बर्तन हैं वो लग गए हैं सारे, जो ये और कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी मैं लगा दूँगी, और जो रात का जो काम होता है वो रात में ही फिनिश कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि सुबह उठ के एक मैंने अजीब सा नहीं लगता है। और अगर मैं रात का काम थोड़ा भी रात में छोड़ देती हूँ तो मुझे कुछ अलग सा लगता है, अगर मैं सुबह उठती तो थोड़ा लेजी लेजी सा फील होता है, इसीलिए मैं रात को ही काम करके फिनिश होती हूँ। अभी मेरे डिनर के बर्तन है वो भी मुझे वॉश करने हैं, किचन भी थोड़ा सा वॉश करना है। तो इसी तरीके से मैंने किचन को पूरा क्लीन कर लिया है और मेरे जो कुछ बर्तन है वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो इसी तरीके से जो मेरा नाइट रूटीन होता है मैं इसी तरीके से करती हूँ और मेरा जो काम है वो पूरा फिनिश हो गया है, कुछ भी नहीं रहा है और सुबह के लिए एकदम मैंने मन एकदम हो जाता है। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने जो है धो के रख दिए, इनको भी मैं जल्दी में लगा दूँगी। और आज सैटरडे है तो कल संडे है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है जगने में, तो कोई भी मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो संडे होता है तो जगने में सुबह जगना होता है। तो इसी तरीके से मेरा काम फिनिश हो जाता है। आई थिंक आपको मेरा ये जो व्लॉग है वो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।